Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with a new topic that is adjectives. So let's begin with adjectives. An adjective is a word which defines the quality of any noun or a pronoun. बच्चों एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है कि कोई भी चीज कैसी है उसकी क्या क्वालिटी है एग्जाम्पल फर्स्ट आई हैव अ प्रिटी डॉल मेरे पास एक प्यारी मीन्स प्रिटी डॉल है सो so, डॉल की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है प्रिटी ये बता रहा है डॉल कैसी है इसलिए ये एडजेक्टिव है सेकेंड द रोजेस आर रेड रोजेस रेड हैं यहां रोजेस के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है रेड ये बता रहा है कि रोजेस किस तरह के हैं रेड हैं इसलिए ये एडजेक्टिव है नाउ वी कम टू काइंड ऑफ एड्जेक्टिव देर आर सिक्स काइंड ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव के होते हैं या सिक्स टाइप्स के होते हैं फर्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फिफ्थ इंटेरोगेटिव सिक्स्थ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स

द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्ला रोज एक सुंदर फूल है सो so, रोज कैसा फूल है सुंदर सो so, ये ब्यूटिफुल वर्ड रोज फ्ला की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मैंट एडजेक्टिव हाउ मच कितनी कोई भी चीज है एग्जाम्पल दे इज अ लिटिल टी इन द कप कप में थोड़ी टी है सो so, ये वर्ड लिटिल क्या शो कर रहा है क्वांटिटी को बता रहा है कितनी है कम है ज्यादा है मीन्स मोर एनफ सम ये वर्ड्स क्वांटिटी को शो करते हैं थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इट शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंड। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो करता है कितने हाउ मैनी कितने पर्सन या चीज हैं। एग्ज़ाम एग्जाम्पल राम हैज टू चिल्ड्रेन राम के दो चिल्ड्रेन हैं। सो so, ये टू बता रहा है कितने हैं हाउ मैनी नंबर शो कर रहा है कितने हैं इसलिए ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है फोर्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव एड्जेक्टिव वॉट वेन विच एंड आर यूज टू आस्क क्वेश्चन बच्चों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वॉट वेन विच और हुस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं एग्जाम्पल विच इज योर पेंसिल बॉक्स यहां वर्ड विच यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है नाउ कम टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ए सेस आइडेंटिफाई type ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन है और उस अंडरलाइन वर्ड का हमें टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताना है फर्स्ट पूजा एंड रिया आर गुड फ्रेंड्स पूजा और रिया अच्छे फ्रेंड्स हैं सो so ये वर्ड गुड क्या शो कर रहा है ये फ्रेंड्स की क्वालिटी को शो कर रहा है किसको शो कर रहा है क्वालिटी को Q U A L I T Y ये बता रहा है कि फ्रेंड्स कैसे हैं अच्छे हैं इसलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी A D J E C T I V E S एडजेक्टिव्स ऑफ ओ एफ ऑफ क्वालिटी क्यू यू एल आई टी वाई क्वालिटी सेकेंड वॉट काइंड ऑफ मैन ही इज वह कैसा आदमी है बच्चो यहां क्वेश्चन मार्क है और ये स्टार्ट हो रहा है वर्ड वॉट से अभी हमने पढ़ा था वॉट वेन विच और हु कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव को शो करते यस इंटेरोगेटिव सो आंसर में हम क्या लिखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्ट आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई इंटेरोगेटिव एडजेक्ट ए डी जे ई सी टी आई वी ई एस एडजेक्टर्स नाउ विकम टू दर्ड वन प्लीज गिव मी सम वाटर प्लीज मुझे थोड़ा पानी दो सो so, ये सम क्या शो कर रहा है वॉटर की क्वांटिटी कितना पानी चाहिए थोड़ा सम क्या शो कर रहा है ये क्वांटिटी को क्यू यू एन टी आई टी वाई क्वांटिटी सो हम आंसर में क्या लिखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ए डी जे ई सी टी आई वी ई एस एडजेक्टिव्स ओ एफ ऑफ क्वांटिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई क्वांटिटी फोर्थ रूबी हैज थ्री डॉल्स अंडरलाइन वर्ड कौन सा है थ्री थ्री किस को शो कर रहा है नंबर को क्योंकि ये बता रहा है कि रूबी के पास कितनी डॉल्स हैं थ्री डॉल्स हैं रूबी के पास थ्री डॉल्स हैं और ये थ्री नंबर को शो कर रहा है एन यू एम बीई आर नंबर सो so आंसर में हम क्या लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर ए डी जे ई सी टी आई वी ई एस एडजेक्टिव एफ ऑफ नंबर एन यू एम बी ई आर नंबर फिफ्थ सनफ्ल आर येलो इन कलर सनफ्लॉर्स येलो कलर के होते हैं सो so, ये येलो कलर किसको शो कर रहा है सनफ्लावर के कलर को मीन्स ये बता रहा है क्वालिटी कि सनफ्लावर की क्वालिटी क्या है वो येलो कलर के होते हैं इसलिए ये क्या है क्वालिटी Q U A L I T Y इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे यस एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ए डी जे ई सी टी आई वीई एस एडजेक्टिओ ऑफ क्वालिटी क्यू यू एल आई टी वाई क्वालिटी नाउ वी कम टू एक्सरसाइज बी एंड इट से फिल इन द्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम देल्प बॉक्स गिवन बिलो बच्चों यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स मिला है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इस बॉक्स की हेल्प से हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं सो फर्स्ट वन आई टीच डैश चिल्ड्रन डेली सो डैश में क्या आएगा लेट्स सी विच आई टीच विच चिल्ड्रन डेली नो नेक्स्ट ऑप्शन टू आई टीच टू चिल्ड्रन डेली यस तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे टू टी डब्लू ओ टू और यहां टिक कर दिया बिकॉज हमने इसे यूज कर दिया सेकंड भगत सिंह वाज अ डैश मैन बच्चों डैश में क्या आएगा लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन विच भगत सिंह वाज अ विच मैन नहीं टू हमने यूज कर लिया है नेक्स्ट इज सम भगत सिंह वॉज अ सम मैन नहीं नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेव भगत सिंह वॉज अ ब्रेव मैन यस सो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे ब्रेव बी आर ए ई भगत सिंह एक ब्रेव मैन थे सो so, अब हम ब्रेव को भी टिक कर देंगे बिकॉज ये भी हमने फिल कर लिया थर्ड डैश बुक आर यू रीडिंग सो ब्लैंक में क्या आएगा लेट सी विच विच बुक आर यू रीडिंग यस हम ब्लैंक में विच लिखेंगे डब्ल्यू एच आई सी एच विच विच बुक आर यू रीडिंग तुम कौन सी बुक रीड कर रहे हो फोर्थ प्राची हैज़ डैश कॉन्फिडेंस डैश में क्या आएगा विच यूज हो गया है टू यूज हो गया है सम प्राची हैज सम कॉन्फिडेंस नहीं बचा क्या लिटिल प्राची हैज लिटिल कॉन्फिडेंस यस हम ब्लैंक में लिटिल लिखेंगे एल आई टी टी एल ई लिटिल प्राची हैज लिटिल कॉन्फिडेंस प्राची में थोड़ा कॉन्फिडेंस है फिफ्थ गिव मी डैश राइस टू ईट बच्चों सारे वर्ड्स यूज हो गए एक सम बचा है सो so, ब्लैंक में सम आएगा एस ओ एम ई सम गिव मी सम राइस टू ईट मुझे खाने के लिए कुछ राइस दो Hope, students, you all have understood this. Now, write this neatly in your notebook. Thank you.